दोस्तों, शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की फिल्म जर्सी आने वाली है। हालांकि फिल्म के रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन फिल्म रिलीज से ठीक पहले फिल्म की हीरोइन मृणाल ठाकुर ने बॉलीवुड के गैंगबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बड़े बड़े फिल्मी कैंप्स की पूरी पोल खोल दी और बता दिया कि कैसे बाहरी लोगों को परेशान किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है और कैसे उनके साथ गंदा सलूक होता है, कैसे उनका आत्मविश्वास ही तोड़ दिया जाता है। तो सब कुछ आपको बताते हैं मृणाल ठाकुर की ही जुबानी। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। हमें सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो मृणाल ठाकुर फिल्मी दुनिया में नई नहीं है। 2019 में ऋतिक रोशन के अपोजिट सुपर 30 फिल्म से एंट्री करने वाली मृणाल ठाकुर पहले टीवी में भी काम कर चुकी हैं। मुझसे कुछ कहती हैं खामोशियां से टीवी की शुरुआत की, तो फिर कुमकुम भाग्य जैसे सुपरहिट सीरियल में भी काम किया और फाइनली 2019 में बॉलीवुड डेब्यू ऋतिक रोशन के साथ किया। ऋतिक जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने के अलावा मृणाल एक इंटरनेशनल फिल्म भी कर चुकी थी, यानी कि मृणाल को लोग जानते थे, उनका काम भी जानते थे, मगर इसके बावजूद भी मृणाल के साथ वो हुआ जो कल्पना से परे था। जी हाँ, मृणाल ठाकुर ने खुद बताया कि उनके साथ इस फिल्म इंडस्ट्री में बेहद गंदा सलूक किया गया, जबकि वो फिल्में कर चुकी थीं, लोग उनके चेहरे को जानते थे, पहचानते थे, लेकिन फिर भी कहीं पार्टी में अगर जाती थी तो कोई उनसे बात नहीं करता था। वहाँ सबके अपने गुटर ग्रुप होते थे, उसी में बात करते थे। अगर उनके ग्रुप में जाकर बात करने की कोशिश करो तो साफ साफ मुंह पर बोल देते कि तुम टीवी वालों के साथ जाओ, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। जी हाँ, इंटरनेशनल फिल्म करने के बाद, ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने के बाद भी मृणाल ठाकुर को कहा जाता कि टीवी वालों के साथ जाओ। इतना ही नहीं, मृणाल ठाकुर ने बताया कि कुछ बड़े बड़े फिल्मी घराने जो कि खुद को सो कॉल्ड बॉलीवुड का बाप समझते हैं, वो तो बाहरी लोगों को यहाँ घुसने देना नहीं चाहते। मृणाल ठाकुर ने बताया कि किसी प्राइवेट फंक्शन में अगर कोई साथ में दिखा तो साथ में फोटो खिंचवाने से मना कर देते, साथ में सीट शेयर करने से मना कर देते, और यहाँ तक कि आयोजकों को कह देते कि अगर टीवी वालों को और इन सब लोगों को यहाँ बुलाना है तो फिर हमें ना बुलाओ। तो ऐसे में मैं खुद ही वहाँ से वापस चली आती। और ये एक बार नहीं हुआ, बल्कि बार बार कई बार हुआ है और कई बार कई तरीके से बेइज्जत किया गया, कई तरीके से परेशान किया गया, गंदा सलूक किया गया, गलत व्यवहार किया गया। और मृणाल ठाकुर ने बताया कि उनके साथ तो इतना गंदा सलूक हुआ कि वो उसे बयां तक नहीं कर सकती, वो घर आकर रोती थी। जी हाँ, मृणाल ठाकुर ने बताया कि उन्होंने कभी ये सब नहीं देखा था, न कभी ये झेला था, और इसीलिए मृणाल ठाकुर घर आकर रोती थी, क्योंकि मृणाल ठाकुर बड़ी फिल्में कर चुकी थी, वो चाहती थी कि उन्हें भी वो तवज्जो मिले। लेकिन मृणाल ठाकुर ने बताया कि उसके पेरेंट्स उसे समझाते थे और कहते कि तुम आगे बढ़ो, इन नीच लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। और मृणाल आज अपने पेरेंट्स को शुक्रिया कहती हैं, क्योंकि उनकी ही वजह से वो मजबूत बन पाई और इस बॉलीवुड के गंदे कॉकस को तोड़ पाई। वैसे आपको एक और बड़ी बात बता दें कि यही सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही हूबहू सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ था। सुशांत के साथ भी यही सब कुछ होता था दोस्तों, उन्हें इवेंट्स में किनारे कर दिया जाता था, पार्टी में तो सुशांत को बेइज्जत किया जाता था, और यहाँ तक खबरें थी कि कुछ पार्टीज में तो सुशांत के साथ बदतमीजी भी हुई। और यही सब कुछ मृणाल ठाकुर के साथ भी हुआ, जो बॉलीवुड का गंदा सच है। अब कुल मिलाकर ये गैंगबाज लोग बाहरी लोगों को, टीवी से आने वाले लोगों को फिल्मों में बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। सुशांत टीवी से आकर यहाँ सफल हुए, सक्सेसफुल हुए, तो उसे परेशान किया और खत्म करके ही माने। और अब यहाँ पर मृणाल ठाकुर को भी कुछ वैसे ही परेशान किया जा रहा है। तो आपका इस पूरे खुलासे पर, बॉलीवुड की इस गंदगी पर क्या कहना है, कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो वर्ल्ड कप में भारत की पहली जीत कपिल देव, इंडियन क्रिकेट टीम, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, कबीर खान, किसी फिल्म में इतने सारे पॉइंट्स अगर एक साथ हों और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रहे तो वाकई में ये बात हैरान करती है। फिल्म 83 की रिलीज से पहले मेकर्स को ही नहीं बल्कि
फिल्म क्रिटिक्स को भी यही उम्मीद थी कि कम से कम क्रिकेट प्रेमी और रणवीर दीपिका लवर्स तो फिल्म को जरूर देखेंगे, मगर बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से ये फिल्म लड़खड़ाई है उससे सभी लोग सदमे में हैं। पूरा बॉलीवुड हैरान है क्योंकि 250 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म महज 51 करोड़ के करीब भी पहुंचने को तरस गई है। पहली बार भारत के हाथ में वर्ल्ड कप और इस शानदार जीत को फिल्म 83 में मेकर्स ने भुनाने की जमकर कोशिश की। फिल्म के रिलीज से पहले इसका शानदार प्रीमियम रखा गया, जहां फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेट के सितारों का भी मेला लगा रहा। रणवीर की तैयारियां वक्त वक्त पर फैंस को दस्तक दे जाती थीं कि वो जल्दी इस सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करने वाले हैं। पूरे जोर शोर से फिल्म लास्ट फ्राइडे यानी 24 दिसंबर को रिलीज हुई, लेकिन ये उम्मीद उलट साबित हुई। रणवीर सिंह अब तक उन सितारों में से रहे हैं जिनकी फिल्में कम से कम एंटरटेनमेंट के नाम पर तो बिकी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इस फिल्म में ये फैक्ट भी काम नहीं कर पाया। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 83 ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो जितनी बड़ी डिजास्टर की तरफ बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म सिनेमा घरों में अपनी ऑडियंस के लिए बुरी तरह तरस गई है। कहा तो ये भी जा रहा है दोस्तों कि इंडस्ट्री के एक बड़े सेक्शन को लग रहा था कि ये एक शानदार फिल्म होगी। बताया तो ये भी जा रहा था कि इंडस्ट्री के कई लोगों ने इस फिल्म की तुलना शोले और मुगले आजम जैसी फिल्मों से की थी, मगर इसका क्या हाल हो रहा है ये अब सबके सामने है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म 24 दिसंबर को रिलीज हुई, मगर जयपुर जैसी सिटी में इसका बुरा हाल रहा। जयपुर सिटी जो कि हिंदी फिल्मों के लिए टॉप सेंटर्स में से एक मानी जाती है, यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्स की हालत तो ऐसी थी जिसे देखकर बॉलीवुड वाले रोने लगेंगे। खबर के मुताबिक पहले शो में सिर्फ 7 ऑडियंस पहुंची और उनमें से भी 2 ऑडियंस बीच में ही निकलकर पुष्पा का हिंदी वर्जन देखने चली गईं। इसी तरह कहीं पर 10 दर्शक तो कहीं पर 4 दर्शक फिल्म देखते मिले। फिल्म 83 एक स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री ड्रामा है जिसे कहानी के तौर पर दर्शकों के लिए देखना काफी मुश्किल है, जिसमें स्क्रीन प्ले का कोई रोल नहीं। इस बात को सोचकर कि लोग मुख्य किरदार को जानते हैं, किसी भी कैरेक्टर को डेवलप करने की कोई मेहनत नहीं की गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडस्ट्री ऐसी फिल्मों को शानदार बता रही है। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की संख्या भी लाखों में है और अगर वो ठान लें तो किसी भी फिल्म को डिजास्टर बना सकते हैं। और वैसे भी फैंस सच में बदला ही ले रहे हैं, क्योंकि रणवीर सिंह ने एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाया था। सुशांत के साइंस इंटरेस्ट का भद्दा मजाक बनाया गया था जिसे दर्शकों ने अभी तक भुलाया नहीं है। और अब तो रणवीर सिंह सरीखों को ये समझ में आ गया होगा कि किसी की मौत के बाद उसका मजाक उड़ाना कितना भारी पड़ सकता है।